नमस्ते। हृदय की बात, ध्यान के बारे में बात हो रही है। आज भाग 8। ध्यान के बारे में तो काफ़ी बात की, वैसे तो बहुत सारा कहने का बाकी है, लेकिन समय के अभाव में इतना सारा कहना मुश्किल है। और ये मैं वीडियो जो है वो ऐसे ही 3-4 मिनट के इसलिए बना रहा हूँ कि नहीं तो सब लोग थक जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं। लंबा लंबा वीडियो हो तो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो मैं कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा ध्यान कैसे करें उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। मैं जो ध्यान पद्धति मैंने स्वीकार की है, जो फॉलो करता हूँ, उसी के बारे में बताऊँगा। फिर से कहता हूँ कि अपने अपने हिसाब से बाकी सारी ध्यान पद्धति भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का उद्देश्य जो है वो एक ही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अपने हृदय पे ध्यान करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हम वो सिखाते हैं। तो हार्टफुलनेस जो ध्यान पद्धति मेडिटेशन की पद्धति है, उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप अपने हृदय पे ध्यान करेंगे। उसके पहले आप एक मन में एक विचार लेंगे कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है और जो मुझे अपनी ओर अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। इस विचार के साथ हृदय पे ध्यान करना है। ध्यान करने आप बैठेंगे तो अपने मन को तो ये इतना शांत बैठने की कभी आदत नहीं होती ना, तो इसलिए मन में बहुत सारे विचार आएंगे और मन का वो काम भी है सतत सोचना, तो इसलिए बहुत सारे विचार आएंगे। तो उससे डरिए मत, वो विचार आएंगे और चले जाएंगे यदि आपने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम हमारा ध्यान जो है वो हमारे हृदय पे केंद्रित करें और वो विचारों को आने जाने दें। मैं इसके अंदर ये भी एक आपको कहना चाहता हूँ कि साइंस ने अभी प्रूव किया है, विज्ञान ने, कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में पूरे दिन में 50,000 से 60,000 विचार आते हैं, लेकिन हमें वो याद रहते हैं क्या? नहीं, हमें तो सिर्फ उसमें से 50-60 विचार याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसलिए हम जिनके ऊपर ध्यान नहीं देते वो विचार अपने आप चले जाते हैं। बस तो हमें यही करना है कि ध्यान करते समय जो विचार आएंगे उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है तो अपने आप चले जाएंगे। ये पहली बात। मानो कभी विचारों के ऊपर ध्यान जा सकता है हमारा, क्योंकि हमें आदत नहीं है इसलिए, तो विचार के ऊपर ध्यान गया तो हमें फिर से याद दिलाना पड़ेगा अपने मन को कि अरे मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारा ध्यान जो है वो विचार से लेकर हमें धीरे से मोड़ करके अपने हृदय पे वापस लाना है। बस इतना ही हमें करना है और कुछ करना नहीं है। बाकी जो है वो हमें जो ट्रांसमिशन मिलता है, जो मैंने परसों बात की थी यौगिक प्राणाहुति की, तो वो यौगिक प्राणाहुति की वजह से धीरे धीरे हमारा मन जो है वो विचारों से दूर होता जाएगा और हम शांत बैठने के आदि हो जाएंगे। तो मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है जो मुझे अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है, इस विचार के साथ अपने हृदय पे ध्यान करो। बस इतना ही हमें करना है। ध्यान जो है वो साधारणता सुबह करना चाहिए, जल्दी सुबह करना चाहिए, नहीं होता है तो पूरे दिन में कभी भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान एक ही समय और एक ही जगह पे करो, वो और अच्छा रहता है, उसका फल जल्दी मिलता है। और कहीं भी आप बैठ के करो, हमारी जीवन शैली अभी हो गई है ऐसी, हो गई कि हम नीचे बैठ नहीं सकते, तो ठीक है आप ऊपर बैठो, सोफा पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, हमें पीछे सपोर्ट भी चाहिए तो वो लेकर के बैठो, लेकिन कैसे भी बैठो और ध्यान करो। 5-10 मिनट से शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा एक बार करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये ध्यान के बारे में थोड़ी सी बातें जो करनी थी वो मुझे लगता है कि मैंने पूरी की है। धन्यवाद।